हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज नए व्लॉग हमारा जो है, ये अगले 2 दिन मैं व्लॉग कंटिन्यूसली बनाने वाला हूँ। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ खोबर के लिए, कि यहाँ पे मिड सेमेस्टर ब्रेक चल रही है, तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं अलहोबर जाऊँगा। अलहोबर यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर पे है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं, साइट सींग हैं, वहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ मेरा प्लान है विजिट करने का। तो यहाँ से आलमोस्ट 200 किलोमीटर है, दमाम से अलहोबर जो है वो काफ़ी नज़दीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, हम अपना व्लॉग देखते हैं इंशाल्लाह आज ये सफ़र कैसा रहेगा, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी आके खोबर में पहुंचा हुआ हूँ। होटल बुक किया मैंने अभी आके, तो होटल में मैं अभी अंदर अपने रूम में पहुंचा हूँ। बस मैंने बैग वगैरह खोला और थोड़ा सा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, मोबाइल चार्ज किया। तो सफ़र में जब भी इंसान निकले तो हर चीज़ चेक करनी चाहिए, स्पेशली मोबाइल फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए थोड़ा सा आज डिफ़िकल्ट हो गया, छोटा सा सफ़र था 2-2.5 घंटे का, तो बहुत लंबा पड़ गया। मुझे होटल बुक करनी थी, वो 10 मिनट के बदले मुझे 1.5 घंटा लग गया। रास्ते में मेरी मोबाइल की बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया मुझे। तो मेरा जो चार्जर है आईफोन का, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। चार्जर जो केबल थी वो सी टाइप थी, और मोबाइल कार में जो चार्जर था वो USB था, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ अच्छे से, मैं चार्ज नहीं कर पाया। तो रास्ते में ही हमारी बैटरी जो है वो डाउन हो गई, तो मुझे यहाँ पे वॉक करके काफ़ी देर लग गई होटल सर्च करने में, ढूंढने में और बुक करने में। तो मैं अभी आके होटल में बैठा हुआ हूँ, तो रेस्ट करके थोड़ी देर में मैं अब निकलूँगा डिनर करने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी स्पॉट्स हैं आजू बाजू में, तो मैं भी किसी जगह पर मैं देखने जाऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं और अपडेट करता रहूँगा मैं आपको नेक्स्ट कहाँ जाऊँगा। अभी मैं अल राशिद मॉल में पहुँचा हूँ यहाँ पर डिनर के लिए। Okay, this is the Al Rashid Mall basement. So here there are a lot of like traditional restaurants where you can have Arabic food. So this is like really special place to visit. You can see a beautiful, very beautiful view of Al Rashid Mall here. You can see here. This is in the basement.
अभी मैं अल राशिद माल से डिनर करके निकला हुआ हूँ, अभी मैं कॉर्निश सी फोर्ट जा रहा हूँ। Midnight around 12 o'clock. I am at Khobar seafront, so you can see the view behind. The people are enjoying outside, so it does not look like it's a night here except the dark little bit. So everyone is outside right now, and especially it's weekend, holidays, so most of the people are just enjoying the life here. तो मैं अभी खोबर वाटर टावर के पास हूँ, अल खोबर। ये बिल्कुल सी के किनारे पे है, सी शोर पे है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अभी इस टाइम पे, एंजॉय कर रहे हैं नाइट वॉक यहाँ पे। तो यहाँ पे साइकिल्स हैं, सिटी बाइक नाम से एक शॉप है यहाँ पे, जो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की साइकिल्स अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बच्चे हैं वो साइकिल का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट किस्म की साइकिल्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा पाथ पे है यहाँ पे, लॉन्ग रनवे है यहाँ पे, आप वॉक कर सकते हैं इवनिंग में। तो काफ़ी दूर तक यहाँ पे जाने का मिल सकता है आपको। يكفيني اللي حصل استحمل زيادة عطها عادي مالك جيدا اشتغل حمد حمد يولو